Hello students, welcome back. In this video we are going to learn about unit 5 digital presentations. First of all, we are going to learn what is the meaning of the digital presentation. Digital means electronically, that is through any electronic device like computer, tablet, mobile phone, etc. And presentation is, it is a collection of slides where a slide is an individual electronic page arranged in a sequential manner to present the information effectively to the audience. Presentation kya hoti hai? A collection of slides. Aur sari slides ek sequence mein arrange hoti hai taki jo bhi information hum apni audience ko batana chahte hain wo efficiently aur effectively di ja sake. Slide kya hota hai? Ek individual electronic page. Jaise ki aap yahan pe dekh rahe hain to ye meri ek slide hai. Ye computer ke andar bana hua hai. So this is known as slide. सो डिजिटल प्रेजेंटेशन क्या हुआ कि वेन द इंफॉर्मेशन विच इंक्लूड्स द पिक्चर्स टेक्स्ट ग्राफिक ऑडियो वीडियो एंड एनिमेशंस एक्सेट्रा इज प्रेजेंटेड इलेक्ट्रॉनिकली. कोई भी इंफॉर्मेशन जिसमें पिक्चर्स हो, टेक्स्ट हो, ग्राफिक हो, ऑडियो वीडियो एनिमेशन हो, जब हम उसे इलेक्ट्रॉनिकली किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू प्रेजेंट करते हैं दैट बिकम्स डिजिटल प्रेजेंटेशन. विजुअल इमेजेस मेक अ बेटर इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन माइंड देन एनी अदर मीडियम. जब हम अपनी बात दूसरों को लिख के बोल के या किसी अदर मीडियम से बताते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज मीडियम्स विजुअल इमेजेस ह्यूमन माइंड के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं. राइट, नाउ वी हैव द एप्लीकेशंस कि प्रेजेंटेशन को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं. सबसे पहले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ करते हैं. कोई भी प्रोजेक्ट हमें समझाना है, कोई भी टॉपिक हमें बताना है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में प्रेजेंटेशंस होती हैं. देन इट इज़ यूज फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग द एम्प्लॉयज़. स्टूडेंट्स को अगर हमें कोई प्रैक्टिकल कंसेप्ट बताना है, इमेजेस के थ्रू अगर हम कोई भी चीज़ डायग्राम साइंस का डिस्क्राइब करना चाहते हैं या किसी अदर सब्जेक्ट का फॉर दैट पर्पस, एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने के लिए किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में, फॉर दैट पर्पस प्रेजेंटेशंस आर यूज्ड. इट इज़ यूज्ड इन डिस्क्राइबिंग द मशीन पार्ट्स और मशीन्स किस तरह से काम करती हैं वो समझाने के लिए वी मेक यूज़ ऑफ द प्रेजेंटेशंस. प्रेजेंटेशंस को हम फ्यूचर के लिए प्रिंट भी करके रख सकते हैं ताकि इट कैन बी यूज फॉर दैट पर्पस. डेमोन्स्ट्रेशंस, डेमोन्स्ट्रेशंस के लिए हम यूज़ करते हैं. कोई भी हमने पहले से चीज़ बना के रखी हुई है और किसी दूसरे को हमें समझाना है तो हम उसके थ्रू उसका डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं. एंड प्रेजेंटिंग अ न्यू प्रोडक्ट, अब जैसे आप टीवी में देखते हैं कि जो एड्स आती हैं वो अपने प्रोडक्ट की फ़ीचर्स के बारे में बताती हैं, इसी तरह से हम एक प्रेजेंटेशन बना लेते हैं किसी भी प्रोडक्ट की फीचर्स के बारे में बताने के लिए, उसकी गुड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताने के लिए. सो दीज आर द एरियाज वेयर द प्रेजेंटेशन कैन बी यूज्ड. नाउ वी हैव द डिफरेंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर. अब प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की भी रिक्वायरमेंट है तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स हैं. सबसे पहले आता है हमारा ओपन ऑफिस इम्प्रेस, दिस इज़ द आइकन. फिर आता है हमारा लाइब्रेरी ऑफिस इम्प्रेस. अभी हम जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करेंगे दैट विल बी आर लाइब्रेरी ऑफिस इम्प्रेस एंड दिस इज़ द आइकन. देन प्रेजेंटेशन कैन ऑल्सो बी मेड विद द एमएस पावर पॉइंट विच इज़ अ पार्ट ऑफ द एमएस ऑफिस जिसमें हम नॉर्मली काम करते हैं. एंड एडोब डायरेक्टर जो है इट इज़ ऑफ द एडोब, इट इज़ ऑल्सो अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर. इनके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स हैं दैट कैन बी यूजफुल टू क्रिएट द प्रेजेंटेशंस. राइट, नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड प्रेजेंटेशन. एक अच्छी प्रेजेंटेशन के क्या फीचर्स होते हैं? फर्स्ट इज नंबर ऑफ लाइंस. एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए एक स्लाइड पे वी शुड राइट मैक्सिमम 5 to 8 लाइंस. इससे क्या होगा, कंफ्यूजन कम होगी और हमारा जो भी हम डेटा, जो भी हम चीज़ ऑडियंस को समझाना चाहते हैं दैट विल बिकम क्लियर. नेक्स्ट इज फॉन्ट साइज. अब जो फॉन्ट साइज हम लेके चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में वो डिपेंड करता है हमारे रूम का साइज कितना है और स्क्रीन और ऑडियंस के बीच में डिस्टेंस कितना है. अकॉर्डिंगली हम अपने फ़ॉन्ट साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं ताकि जो भी डेटा या जो भी चीज़ हम ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं दैट बिकम्स क्लियर एंड रीडेबल. नेक्स्ट इज करेक्ट यूज़ ऑफ ग्रामर एंड लैंग्वेज. फॉर क्रिएटिंग अ गुड प्रेजेंटेशन हमारे जितने भी स्लाइड्स हैं उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उसके अंदर मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए. ग्रामेटिकली इट शुड बी करेक्ट एंड लैंग्वेज शुड बी करेक्ट. Next is inserting images, tables, drawings and graphs. Whenever we are creating a presentation, ek slide ke upar hum avoid inserting more than 2 images or tables, drawings or graph.
एक स्लाइड के ऊपर हमें दो से ज़्यादा ये चीज़ें इंसर्ट नहीं करनी चाहिए बिकॉज अदरवाइज इट विल बिकम कन्फ्यूजिंग. नेक्स्ट इज़ द यूज़ ऑफ कलर्स. जो भी हम कलर्स अपनी प्रेजेंटेशन में यूज़ करते हैं, वी कैन यूज़ डिफरेंट कलर्स ताकि हम डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स की इंपॉर्टेंस को शो कर सकें. और अगर हमें कुछ सर्टेन पॉइंट्स को हाईलाइट करना है तो उसके लिए वी कैन यूज़ द डार्क कलर्स. बैकग्राउंड के लिए हम लाइट कलर यूज़ कर सकते हैं ताकि जो हम इंफॉर्मेशन ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं दैट इज़ क्लियर, और जहाँ एम्फोसाइज करना चाहते हैं वहाँ हम अच्छी तरीके से बता पाएँ. नेक्स्ट इज़ एनिमेशन एंड वीडियोस. एक स्लाइड के अंदर हमारी एक वीडियो या एनिमेशन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बिकॉज उससे ज़्यादा होगा इट विल बिकम कन्फ्यूजिंग एंड इट विल नॉट बी क्लियर. अटेंशन टुवर्ड्स टारगेट ग्रुप. व्हेनेवर वी आर क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन वी शुड मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टारगेट ऑडियंस. सीक्वेंस ऑफ द टॉपिक शुड बी सच दैट इट मेक्स अ फ्लो टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस. जो हम इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली ऑडियंस को बताना चाहते हैं हमारी प्रेजेंटेशन के अंदर वही डेटा होना चाहिए, उससे एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए. और जो भी हम टॉपिक समझा रहे हैं वो इस तरह से फ्लो में होने चाहिए कि जो ऑडियंस है उसकी अटेंशन वहाँ बनी रहे, राइट. सो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड प्रेजेंटेशन. नाउ वी हैव द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द लाइब्रेरी ऑफिस इम्प्रेस. अब इस चैप्टर में, इस यूनिट में जो भी हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर की दैट विल बी लाइब्रेरी ऑफिस इम्प्रेस इन विच वी विल क्रिएट द स्लाइड्स एंड द प्रेजेंटेशन. जब आप लाइब्रेरी ऑफिस इम्प्रेस को ओपन करेंगे द फर्स्ट बार विच यू सी हेयर जिसपे लिखा हुआ है अनटाइटल्ड वन लाइब्रेरी ऑफिस इम्प्रेस, दिस इज नोन एज द टाइटल बार. जैसे हर बुक में चैप्टर का एक नेम होता है, इसी तरह से जब हम लाइब्रेरी ऑफिस इम्प्रेस में काम करते हैं तो हर फाइल का अपना एक नेम होता है. बाय डिफॉल्ट इट इज़ अनटाइटल्ड वन. जब आप इसके अंदर वर्क करके फाइल को सेव कर देंगे तो यहाँ पे वो नेम चेंज हो जाएगा एंड द टॉप मोस्ट बार इज नोन एज द टाइटल बार. राइट साइड में यहाँ पे आपको बटन दिखेंगे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन्स. टाइटल बार से नीचे आपको डिफरेंट डिफरेंट मेन्यूज दिखेंगे, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, स्लाइड, स्लाइड शो. सो इसको ओपन करने में आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस दिखेंगे जिनकी हेल्प से आप प्रेजेंटेशन और स्लाइड के साथ डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं एक्सेट्रा. दिस बार इज नोन एज द मेन्यू बार. मेन्यू बार से नीचे हमारे होते हैं कुछ टूल्स, दिस इज नोन एज द स्टैंडर्ड टूल बार. इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट टूल्स मिलेंगे जिसकी हेल्प से आप फाइल को पीडीएफ में सेव कर सकते हैं, टेबल्स इंसर्ट कर सकते हैं, इमेजेस डाल सकते हैं. देन बिलो दिस वी हैव द फॉर्मेटिंग टूल बार जहाँ पे हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, शेप्स ऐड कर सकते हैं, ऑल दीज थिंग्स. अब इसके बाद जहाँ पे हम काम करते हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, तो ये मेरा एरिया क्या है, दैट इज़ नोन एज वर्क स्पेस, जहाँ हम एक्चुअली एक स्लाइड के ऊपर काम करते हैं. लेफ्ट साइड यू विल सी द स्लाइड्स वन बाय वन, सो दिस इज नोन एज द स्लाइड्स पेन. जब आप न्यू स्लाइड इंसर्ट करेंगे तो वो यहाँ इंसर्ट होती जाएगी, एक थंबनेल की फॉर्म में आपको सारी स्लाइड्स शो करती जाएंगी. इसके बाद नीचे जो आपको बार दिख रहा है, दिस इज नोन एज द स्टेटस बार. इट विल शो द लेंथ एंड द हाइट, लेंथ एंड द ब्रेथ, एंड इट विल शो नंबर ऑफ स्लाइड्स ऑन विच यू आर वर्किंग अपॉन. और इसी तरह से आपका जूम इन एंड जूम आउट ऑप्शन है जिसकी हेल्प से आप अपने पेज को, उसकी जो व्यू है वो कम या ज़्यादा करके देख सकते हैं. इसके बाद राइट साइड में आप देखें यहाँ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें आपके लेआउट्स हैं. तो हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे लेआउट्स हैं जिस वे में हम अपनी स्लाइड को लेना चाहते हैं. लाइक आप फर्स्ट देख रहे हैं दिस इज़ अ ब्लैंक लेआउट, आपकी स्लाइड ब्लैंक हो जाएगी. ये आपका टाइटल एंड कंटेंट है. इस तरह से वी कैन मेक द चेंजेस एज पर आर रिक्वायरमेंट. तो इस पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं, साइड बार, दिस इज नोन एज साइड बार. अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं जिसकी हेल्प से हम इसके ऊपर और इफेक्ट्स को लगा सकते हैं. फर्स्ट बार इज द टाइटल बार, देन मेन्यू बार, देन स्टैंडर्ड टूल बार, देन फॉर्मेटिंग टूल बार. द एरिया वेयर वी वर्क इज द वर्क स्पेस, दिस इज स्लाइड स्पेन, दिस इज द स्टेटस बार एंड दिस इज अ साइड बार. अलॉन्ग विद दैट आपको अगर अपनी स्लाइड को ऊपर या नीचे अप एंड डाउन करके देखना है तो यह हमारे पास स्क्रॉल बार होते हैं. दिस इज माई वर्टिकल स्क्रॉल बार एंड दिस इज माई हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार. ओके, सो दीज आर माई कंपोनेंट्स ऑफ द लाइब्रेरी ऑफिस इम्प्रेस. अब हम देखते हैं कि लाइब्रेरी ऑफिस इम्प्रेस को हम किस किस मेथड से ओपन कर सकते हैं. वी मूव टू आवर डेस्कटॉप स्क्रीन. हेयर यू कैन सी द आइकन ऑफ लाइब्रेरी ऑफिस 7.0. डबल क्लिक ऑन दिस वन. एज सून एज यू डबल क्लिक ऑन दिस वन आपके पास एक विंडो ओपन होगी. इट विल टेक अ फ्यू सेकेंड्स लाइक दिस. यहाँ पे आपको रिसेंट फाइल्स दिखाएगा जो आपने बनाई हैं. जैसे कि आपका एमएस ऑफिस होता है इसी तरह से हमारे पास लाइब्रेरी ऑफिस होता है. एमएस ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इस तरह से होते हैं. यहाँ पे भी आपके पास राइटर, कैल्क, स्प्रेडशीट, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन एंड अदर सॉफ्टवेयर्स आर देयर. तो अभी हमें क्या करना है, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन. सो क्लिक ऑन दिस वन.
As soon as you click on this one, the LibreOffice Impress window will open and it will help you to create a presentation. अब आप यहाँ पे देखो, जैसे ही आप ओपन करोगे यहाँ पे आपके पास डायलॉग बॉक्स आएगा सेलेक्ट अ टेम्पलेट. यहाँ पे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट सैम्पल्स हैं जिसके अंदर कुछ फॉर्मेटेड टेक्स्ट है और कलर्स है. आप इनमें से कोई भी लेना चाहते हो, यू कैन टेक दिस वन. और यहाँ पे आ रहा है शो दिस डायलॉग एट द स्टार्टअप. अगर आप ये चाहते हो कि जब भी आप इम्प्रेस ओपन करो तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आए स्टार्टिंग में, तो लेट इट रिमेन चेक्ड. अगर आप नहीं चाहते कि नहीं आए, डायरेक्ट मेरा ये पेज ओपन हो जाए, दैट इज़ अ विंडो, तो आप इसे अनचेक भी कर सकते हो. ठीक है, अब अगर हम इसमें से कोई टेम्पलेट लेना चाहते हैं, वी कैन सेलेक्ट दैट वन. यहाँ से आप स्क्रॉल करके देखेंगे तो आपके पास और भी सारे टेम्पलेट्स हैं. आप जो भी लेना चाहें वो आप ले सकते हैं. एंड देन क्लिक ऑन द ओपन बटन. एज सून एज यू क्लिक ऑन द ओपन बटन, दैट पर्टिकुलर टेम्पलेट विल बी अप्लाइड ऑन योर स्लाइड. ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस टेम्पलेट के अंदर हमारे पास 4 slides हैं, तो ये हमारा स्लाइड पेन हो गया. स्लाइड नंबर आपको दिखा रहा है, अनटाइटल्ड वन, LibreOffice Impress, दिस इज द आइकन, मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज. ये आपका मेन्यू बार है. फाइल में जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं. एडिट में जाएंगे, एडिटिंग के डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं लाइक दिस. व्यू, व्यू में आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से स्लाइड को देख सकते हैं. इंसर्ट के अंदर आप इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, चार्ट, टेबल, ये सब इंसर्ट कर सकते हो. फॉर्मेट के अंदर आप टेबल, इमेज और अदर थिंग्स के ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो. स्लाइड के अंदर हम स्लाइड से रिलेटेड ऑप्शंस देखते हैं, जिसमें हम बैकग्राउंड इमेज सेट कर सकते हैं, स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं, स्लाइड के लेआउट देख सकते हैं. स्लाइड शो के अंदर हम स्लाइड को किस तरह से दिखना चाहते हैं, फर्स्ट स्लाइड से या हमारी कोई सिलेक्टेड स्लाइड है, करंट स्लाइड, वहाँ से. टूल्स में भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, जैसे आपका थिसॉरस है, स्पेल चेक है. विंडो के अंदर आपके डिफरेंट विंडो के ऑप्शंस हैं. और हेल्प में अगर आपको प्रेजेंटेशन या इम्प्रेस से रिलेटेड कोई भी टॉपिक की हेल्प चाहिए तो आप शॉर्टकट की F1 प्रेस कर सकते हो या फिर यहाँ पर क्लिक करके हेल्प ऑप्शन पर जा सकते हो. ठीक है, इसके बाद आपके हैं स्टैंडर्ड टूल बार, जिसमें आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं. जैसे यहाँ से अगर आपको न्यू स्लाइड लेनी है, न्यू स्प्रेडशीट लेनी है, तो यहाँ पे आपने क्लिक किया, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है. आप जैसे ही मान लीजिए प्रेजेंटेशन पे क्लिक करते हैं या स्प्रेडशीट पे क्लिक करते हैं, दैट विल ओपन. अभी हमारे पास क्या थी, अनटाइटल्ड वन, अब हमारे पास ओपन हो गई अनटाइटल्ड टू. अभी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो वी विल क्लोज दिस वन. देन वी हैव दिस ओपन बटन, सेव बटन, ये हमारा स्टैंडर्ड टूल बार है. टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं, इमेज, जिस भी आइकन के ऊपर आप पॉइंट करेंगे माउस को, आपके पास उसका नेम आ जाएगा. न्यू स्लाइड ओपन करनी है तो आपके पास ये ऑप्शन है, शॉर्टकट कीज आल्सो गिवन, कंट्रोल प्लस एम. और न्यू प्रेजेंटेशन आपको ओपन करनी है तो दैट इज़ कंट्रोल प्लस एन. अब देखिए यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, अब ये मुझे लेआउट भी दिखा रहा है. मान लीजिए मुझे ये लेआउट चाहिए, दैट इज़ टाइटल टू कंटेंट ओवर कंटेंट, तो आई कैन क्लिक ऑन दिस वन. मेरी 4 slides सिलेक्टेड थी तो इसलिए मेरे पास कहाँ आ गया, 5th number पे आ गया. ठीक है, इसके बाद आपका है फॉर्मेटिंग टूल बार, आप इस पर पॉइंट करिए. ये सिलेक्शन के लिए है, दिस इज़ फॉर जूम, दिस इज़ फॉर द लाइन कलर, दिस इज़ फॉर द फिल कलर. यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं. अगर हम ये इंसर्ट करना चाहते हैं अपनी स्लाइड के अंदर, ये कॉल आउट्स हो गए, तो हम इसे ईजिली इंसर्ट कर सकते हैं. ठीक है, इसी तरह से ये जो स्लाइड है इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे. यहाँ पे आप टेबल भी डाल सकते हो, चार्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, जो भी आप डालना चाहते हैं अपनी स्लाइड में, दैट यू कैन. अब ये जो आपको 1, 2, 3, 4, 5 दिख रही है, इसको हम बोल रहे हैं स्लाइड. ये एक इलेक्ट्रॉनिक पेज है और जब मैं 1 by 1 इस स्लाइड को रन करूँगी तो वो मेरी क्या बन जाएगी, प्रेजेंटेशन. स्लाइड शो करने के लिए आपके पास शॉर्टकट की होती है F5. आप यहाँ से भी कर सकते हो फर्स्ट स्लाइड से, और अगर आपको करंट स्लाइड से करना है, जैसे मान लो मेरी 3rd slide सिलेक्टेड है, आपको यहाँ से करना है, तो यहाँ से आप चूज़ करेंगे ऑप्शन स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड फ्रॉम द मेन्यू स्लाइड शो एंड द शॉर्टकट की इज Shift+F5. सपोज़ आई वॉन्ट टू डू इट फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड, तो इस केस में क्या होगा, आपकी जो स्लाइड है वो पूरी स्क्रीन पे विजिबल हो जाएगी. ठीक है, सो दिस इज़ द वे यू कैन डू दिस. आप किसी बीच में से लेना चाहते हो तो आप स्लाइड शो में जाएंगे, स्टार्ट फ्रॉम द करेंट स्लाइड, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 3rd slide और वहाँ पे एंड हो जाएगी. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंपोनेंट्स. और इस तरह से हम LibreOffice को ओपन कर सकते हैं. दूसरा मेथड होता है यहाँ पे आप स्टार्ट बटन पे जाएंगे. स्टार्ट बटन पे जाने के बाद हेयर यू विल सी LibreOffice Impress फोल्डर, दिस इज माय फोल्डर. क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन एरो एंड फ्रॉम हेयर यू कैन सेलेक्ट एनी ऑफ द सॉफ्टवेयर विच यू वांट. हेयर वी हैव द LibreOffice Impress, यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज माय सेकंड मेथड टू ओपन द LibreOffice Impress सॉफ्टवेयर. अगेन दिस ऑप्शन इज कमिंग, लेट अस अनचेक दिस वन.
cancel, and this is my particular slide. Okay, next method is, यहाँ पे हम सर्च बॉक्स के अंदर सिंपली टाइप करेंगे इम्प्रेस, और यहाँ से आपका जो सॉफ्टवेयर है दैट विल शो यू द ऑप्शंस, यहाँ से आप ओपन कर सकते हो. अब इन माय कंप्यूटर ओपन ऑफिस इज आल्सो देयर, तो ओपन ऑफिस इम्प्रेस भी है और लाइब्रेरी ऑफिस इम्प्रेस भी है. हम लाइब्रेरी ऑफिस के ऊपर काम करें, विल क्लिक ऑन दिस वन एंड दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर विल ओपन द सेम वे एज इट ओपन अर्लियर. ठीक है, अब देखो यहाँ पे टैम्पलेट्स वाला डायलॉग बॉक्स नहीं आया क्योंकि हमने उसे अनचेक कर दिया था. ठीक है, दिस इज द वे यू हैव टू क्रिएट. अब मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई भी टाइटल लिखा, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा हेलो. ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, दिस इज़ माय स्लाइड. अब मैं अगर इस स्लाइड की लेआउट को चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से आप लेआउट ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट लेआउट्स दिखेंगे. तो आप चाहें तो यहाँ से स्लाइड के लेआउट को चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ से लेआउट को चेंज कर सकते हैं, दैट इज़ योर विश. चाहें तो आप इसके अंदर फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, सेलेक्ट किया आप इसके अंदर कलर को चेंज कर सकते हैं, साइज को चेंज कर सकते हैं, ऑल दीज थिंग्स यू कैन डू. ठीक है, टेक्स्ट ऐड करना है, जहाँ पे आपके पास छोटे छोटे आइकन्स आ रहे हैं वहाँ पे आप टेबल वगैरह कुछ भी ऐड कर सकते हैं, टेबल्स, ग्राफ्स, एनीथिंग लाइक दिस. इसके बाद यहाँ पे हमारे पास होता है स्लाइड शो के व्यूज़. ये नॉर्मल व्यू है आपका, जहाँ पे मेन स्लाइड आपको यहाँ दिखाई जाएगी और बाकी की थंबनेल की फॉर्म में. आउटलाइन व्यू में इस तरह से आपको सिर्फ उसका टेक्स्ट दिखाया जाता है. नोट्स में आप इसके अंदर जो आपकी स्लाइड है वो ऊपर होगी, यहाँ पे आप अपनी रेफरेंस के लिए नोट्स डाल सकते हो. और स्लाइड सॉर्टर में आपके पास जितनी भी स्लाइड्स होंगी वो थंबनेल फॉर्म में दिखाई जाएंगी. यहाँ पे आपकी ये सिलेक्टेड है, मैंने यहाँ से एंटर प्रेस किया तो ये मेरे पास आ गई. आप चाहें तो कंट्रोल प्लस एम शॉर्टकट की को यूज़ करके न्यू स्लाइड भी ले सकते हो. तो अगर आप इसको स्लाइड सॉर्टर व्यू में देखोगे तो आपको यहाँ पे इस तरह से थंबनेल की फॉर्म में ऑल द थ्री स्लाइड्स इट विल शो यू. स्लाइड सॉर्टर व्यू के अंदर आप इस तरह से स्लाइड्स को आगे पीछे कर सकते हैं, दैट बिकम्स वेरी ईजी. वापस से हम अपने नॉर्मल व्यू पे आ जाते हैं. सो दिस इज द वे आपको स्लाइड को क्रिएट करना है. इसके बाद यहाँ से आप फाइल को सेव कर सकते हैं. फाइल मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से आपको करना है सेव. जब आप इसे सेव करेंगे तो आपके पास शॉर्टकट की भी होती है कंट्रोल प्लस एस. अभी बाय डिफ़ॉल्ट मेरी फाइल कहाँ सेव हो रही है, इन द डॉक्यूमेंट्स फोल्डर. आप चाहें तो यहाँ से इसकी लोकेशन को चेंज भी कर सकते हैं, सी ड्राइव, ई ड्राइव, एनीथिंग, डेस्कटॉप भी कर सकते हो. ठीक है, मान लीजिए हमने इसको सेव कर दिया विद द नेम हेलो ओनली. और ये मेरी किस तरह की प्रेजेंटेशन सेव हो रही है, सेव एज टाइप ODF प्रेजेंटेशन. हेलो नाम से जब आप इसे सेव कर देंगे एंड यू विल क्लिक ऑन द सेव बटन, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फाइल का जो एक्सटेंशन है दैट इज़ हेलो डॉट ODP. ODP स्टैंड्स फॉर ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन. सो दिस इज़ माय एक्सटेंशन एंड दिस इज़ द नेम ऑफ द फाइल. अब अगर मुझे इसी फाइल को किसी और नेम से सेव करना हो तो अगर मैं सेव पे क्लिक करूँगी तो जो भी आप इसके अंदर चेंजेस कर रहे हो वो सेव होते हैं. जैसे कि यहाँ पे मैंने किया क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, मैंने कुछ भी लिखा. नाउ आई क्लिक ऑन द फाइल एंड आई क्लिक ऑन द सेव ऑप्शन. तो क्या हुआ कि फर्स्ट स्लाइड में मेरे पास है हेलो और सेकंड स्लाइड में मैंने यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखा, ये सेव हो गया. एक बार हम इस फाइल को क्लोज करते हैं, ये हमने डेस्कटॉप पे बनाई है, हम यहाँ से इसे डबल क्लिक करके ओपन करके चेक करते हैं. लाइब्रेरी ऑफिस इम्प्रेस से ओपन करना है, क्लिक किया हमने ओके पे. यहाँ से आपके पास क्या आएगा, जब आपने इस फाइल को ओपन किया तो आपने जो भी चेंजेस किए थे दैट विल बी डन. फर्स्ट स्लाइड में हेलो है और सेकंड में हमारे पास दिस कंटेंट इज देयर. ठीक है, अब इसके बाद अगर आप इसी फाइल को किसी और नेम से सेव करना चाहते हो तो आप फाइल में जाके क्लिक करेंगे ऑप्शन सेव एज, द शॉर्टकट की इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस. सपोज आई वॉन्ट टू सेव इट ऑन द डेस्कटॉप और आई वॉन्ट टू सेव इट इन द डॉक्यूमेंट्स, यू कैन चेंज द लोकेशन ऑल्सो. मान लीजिए हम डेस्कटॉप पे ही सेव करना चाहते हैं विद द नेम फर्स्ट प्रेजेंटेशन. सो दिस वे हमारी फाइल यहाँ पे सेव हो जाएगी एंड क्लिक ऑन द सेव बटन. अब आप मिनिमाइज करके अपने डेस्कटॉप पे इसे चेक भी कर सकते हो. दिस इज माय फाइल फर्स्ट प्रेजेंटेशन. ये भी मेरी फाइल वही है और ये भी वही फाइल है, लेकिन हमने नाम इसके डिफरेंट दे दिया. चाहे तो हम लोकेशन को भी चेंज कर सकते हैं. ओके, एंड इसके बाद अगर आपको यहाँ से वापस आना है, क्लोज करना है इसको, तो आप फाइल में जाएंगे और आपके पास ऑप्शन होता है यहाँ पे एग्जिट लाइब्रेरी ऑफिस, दैट इज़ कंट्रोल प्लस क्यू. अगर आपको इसको पूरा क्लोज करना है तो आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल प्लस डब्ल्यू और ऑल्ट प्लस F4, और अदरवाइज आपके पास यहाँ पे क्लोज डॉक्यूमेंट का ऑप्शन होता है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगी लेकिन जो लाइब्रेरी ऑफिस की विंडो है वो ओपन रहेगी.
ये वाले क्लोज से आपका पूरा का पूरा लाइब्रेरी ऑफिस क्लोज हो जाएगा। वन थिंग मोर, अगर आप अपनी फाइल को एज HTML या एज PDF सेव करना चाहते हो तो सिंपली आपको क्या करना है, यू हैव टू गो टू द फाइल मेन्यू और वहाँ पे आपके पास आएगा एक्सपोर्ट ऑप्शन। एक्सपोर्ट ऑप्शन पे आप जाएंगे और यहाँ पे आपका जो सेव एज टाइप है, फाइल नेम आप जो देना चाहते हो वो दे सकते हैं। सेव एज टाइप हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, PDF की फॉर्म में आप कर सकते हो। अगर आपको इस डॉक्यूमेंट को किसी वेब पेज पे इंसर्ट कराना है तो आप HTML डॉक्यूमेंट की फॉर्म में भी कर सकते हो। इसके अलावा भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट हैं, जिस भी फॉर्मेट में आप सेव करना चाहते हो यू कैन डू इट। PDF की फॉर्म ने हमने कर दिया, डेस्कटॉप पे कर रहे हैं, क्लिक ऑन द सेव बटन। अब ये फाइल आपकी किस फॉर्म में सेव हो गई, PDF की फॉर्म में, क्लिक ऑन द एक्सपोर्ट बटन। जब आप डेस्कटॉप पे जाके अपनी फाइल को चेक करोगे तो यहाँ से आपकी फाइल किस फॉर्म में आ गई, PDF फॉर्म में। अगर आप इसे डबल क्लिक करके देखेंगे तो अब आप इस फाइल के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, बिकॉज PDF फाइल हमारी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है जिसके अंदर नो चेंजेस आर अलाउड। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी जो फाइल है दैट हैज़ बिकम माई PDF फाइल। चाहें तो हम इसके अंदर इमेजेस भी इंसर्ट कर सकते हैं एंड ऑल अदर थिंग्स विच वी वॉन्ट टू एड। ओके, सो दिस इज अ वे वी हैव टू वर्क इन द लाइब्रेरी ऑफिस इम्प्रेस। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज द शॉर्टकट कीज ऑफ द इम्प्रेस। कोई भी अगर हमें न्यू प्रेजेंटेशन ओपन करनी है तो वी हैव द शॉर्टकट की Ctrl+N। If we want to take a new slide, we have the shortcut key Ctrl+M. To save a file, the shortcut key is Ctrl+S. To open an existing presentation, पहले से बनी हुई प्रेजेंटेशन को ओपन करने के लिए आपके पास शॉर्टकट की होती है Ctrl+O. Then to close a presentation, हमारे पास शॉर्टकट की है Ctrl+W. To close Impress directly, अभी हमने ऑप्शन देखा था, फाइल मेन्यू में था Ctrl+Q. तो Ctrl+Q करेंगे तो आपकी पूरी की पूरी लाइब्रेरी ऑफिस इम्प्रेस की जो विंडो है वो क्लोज हो जाएगी, और Ctrl+W करेंगे तो आपका जो मेन इम्प्रेस की विंडो है वो क्लोज होगी, लाइब्रेरी ऑफिस की विंडो है दैट विल बी ओपन। ठीक है, Alt+F4 अगर आप करते हैं तो पूरा का पूरा हमारी विंडो क्लोज हो जाती है। स्लाइड शो को रन करने के लिए फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड वी हैव द शॉर्टकट की F5, एंड टू रन अ स्लाइड शो फ्रॉम द सिलेक्टेड स्लाइड और द करंट स्लाइड उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की होती है Shift+F5। With this, we have covered the first part of this video, that is initial presentation. I hope you have understood the topic, students. I will meet you in my next video with another interesting topics. If you have any doubt in any of the topics, you can ask me in the comment section. Thank you.